अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एक साल क्या है, ये आप लोगों की ताकत और मेहनत का नतीजा है। हम लोग वैसा कोई काम आज तक नहीं किए जिससे उनको मौका मिले, इतना बकलोल तो हम आए भी नहीं। वैसा काम नहीं करेंगे कि आपको मौका मिले और हम कल आना चाहें तो फिर ना आ पाए ना ना। अरे 900 चूहा खा के हज किए हैं मेरे भाई। कोई काम और है आप लोगों के पास? नहीं, बलियरन है। आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे, रोज आएंगे, कोई दिक्कत है? नहीं। पढ़ाने रोज नहीं जाएंगे क्या? नहीं। जाएंगे ना? नहीं, रोज आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चेयरमैन साहब को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति बता रहे हैं। सीओ साहब की खाली नाम ले लिए, नाम मेरा नहीं लिए, क्या कि LTGIC वाले आए तो बोले भाई दिक्कत खान ना। अब ये तो तय हो गया भाई कि मैं फेल हो गया। पहले भी बता दिया हूँ, इसीलिए पूरा जो है ना ओपन खेल रहा हूँ एकदम फ्री। इधर चौवा, इधर छतरा, चौवा, चारों तरफ खेल रहा हूँ। क्योंकि मेरा आप कुछ कर नहीं सकते, मैं तो फेल हूँ, फेल हूँ मेरे भाई। सोचो सोचो सोचो, एक फेल होने वाला व्यक्ति आपके आंदोलन के लिए आपसे ज्यादा सुबह से जब आता है तो बिना खाए शाम को जाते हैं। मैंने LT को करीने से सजाया हूँ, दिल से मोहब्बत करता हूँ मेरे भाई, और उसी मोहब्बत के नजराने के रूप में धीरे 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 LT का सत्यापन निकलवाया, धीरे धीरे क्यों? क्योंकि LT को डुबाने की साजिश है ना, ठीक कि नहीं? ये वही दौर था मेरे भाई, चेयरमैन साहब यही थे, इसके पहले वाले भी चेयरमैन साहब थे, वही एनालिसिस हो रहा था, वही जांच चल रही थी, सब कुछ लगातार चल रहा था, लेकिन इनको ये पता चल गया कि LT वाले मानेंगे नहीं, हर दिन आएंगे, हर हफ्ते आएंगे। ताली करेंगे तो गरीब वालों का क्या है ना? तो मैं ये कहता हूँ कि आउट न हिंदी वालों ने कराया है, न गणित वालों ने कराया है, न सोशल वालों ने कराया है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं देना चाहते हो तो अपने खुद के सपने में पेपर आउट करा। क्योंकि हमको बांटने की साजिश कामयाब नहीं होगी, हमको नौकरी की बेहद और सख्त जरूरत है। हम बिल्कुल इस बात का भरोसा नहीं करते, आप लोग बात मत करिए, अंदर आ जाइए, आओ अंदर आइए, रोड क्लियर रहेगा और अंदर आ जाइए, और अंदर आ जाइए। अरे वो फिरोज भाई हैं, अपने भाई हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग तो अंदर आ जाइए, अंदर। भाई की नहीं है ना, बोलना पड़ रहा भाई, आवाज आप तक पहुंचानी, ध्यान से सुनिए। हम पिछले 4 बुधवार से चेयरमैन साहब से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। सैलरी मिल गई क्या? किसी को मिली है क्या? हंस कौन लोग रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं? सैलरी मिली है क्या किसी को? कोई बिना तो नहीं, अभी कोई बिना नहीं है ना?
हसीए लेकिन मुकम्मल मत हसीए, हसीए थोड़ा सा फैलाइए। सारे पीछे वालों को बोल रहे हैं पूरा दांत मत बिताइएगा, गुटखा खाने वाले हैं तो बिल्कुल और अगर नहीं भी खाने वाले हैं तो धीरे धीरे हसीए, मंद मंद थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए। जब तक जो है एलपी के सारे विषयों का रिजल्ट, सारे विषयों का सत्यापन और सारे विषयों की ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक हम इनका साथ छोड़ने वाले हैं। क्योंकि नौकरी जो है मेरे भाई, बोला मत भाई बहुत देर से या फिर क्या बुलवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत लग रहा ना कलेजा है मेरा। अगर बहुत सारी बात है तो एक बार घर जाइए, शाम को बात करके फिर आइए, आप हम दूनी बात क्लियर हो जाएगी। हमने मेरे भाई आज हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं प्रशासन भाई, विक्की भाई, आज जो सबसे बड़ी जीत हमारी है सुन लीजिए। सुबह चेयरमैन साहब को अचानक ज्ञान प्राप्त, किसी ने बताया उनको, मुझको लग रहा है कि ये भी सारी वहीं से है जहाँ से पेपर आऊंगा। 9 बजे ही बता दिया गया, अरे भैया एलटी वाले आ रहे, एलटी वाले, एलटी वाले, एलटी वाले, ताला मारे तुरंत मारे, कौन सा ऐसन वाला ताला मेरे पास मेरे पास कॉर्नर पे गाड़ी का है, बोलूंगा नहीं। क्योंकि देखिए अपनी एक आदत है कि हम जबरदस्ती मोहब्बत नहीं करते। हमने आपको पैगाम भेजा, मोहब्बत का पैगाम भेजा, तो आप कबूल फरमाइए। कहा कि नहीं नहीं आज मन नहीं है, कल कबूल फरमाएंगे। तो मेरे भाई हम वो आशिक हैं कि कल तक का इंतजार। हमें कोई ऐतराज नहीं है, आपने कहा कल। मेरे भाई ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है, इसके पहले भी हमने